दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ निगम। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये कटहल की सब्जी। मैंने इसको उबाल के रखा है, इसका हल्का उबाला है। दोस्तों, कटहल उबालने से इसका दूध जो रहता है वो बढ़िया निकल जाता है, इसीलिए कटहल थोड़ा से उबाल के बना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, ये मैंने पेस्ट बनाया अदरक लहसुन प्याज का। ये थोड़े से मैंने मसाले पीस के रखे हैं। मैं सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया, ये गरम हो रही है। दोस्तों, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें जीरे का तड़का थोड़ा सा लगाऊंगी और मैं थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, इसका टेस्ट बढ़िया आता है। अभी मैं कटी हुई प्याज डालूंगी। देखिए, बढ़िया पेस्ट है। अब इसको मैं हल्का ब्राउन कर लूंगी। दोस्तों, देखिए, हमारी प्याज बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। हींग से तड़का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये कटहल का बादीपन हटाता है, नुकसान नहीं करता है, इसीलिए हींग बहुत ज़रूरी रहता है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। देखिए, अभी मसाला को बढ़िया मैं भूंज लूँगी खूब बढ़िया से कि तेल ऊपर आ जाए। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला इतना बढ़िया भुना गया है कि तेल छोड़ दिया है, बढ़िया लाल हो गया है। दोस्तों, मसाला आप जितना ही भूंजेंगे उतना बढ़िया तेल ऊपर आएगा, उतनी बढ़िया सब्जी बनेगी। दोस्तों, मैंने थोड़े से मखाने लिए, इसको रोस्ट किया था, अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको बढ़िया से भूंज लूँगी। और ये जो कटहल मैंने उबाल के रखा था, इसका पानी मैंने निकाल दिया है, अब इसको डालूँगी। अब सभी चीज़ों को बढ़िया से भूनूंगी। कम से कम 5 मिनट तक भूनना है, जब तक तेल बढ़िया ऊपर से आ न जाए। देखिए, इसको कटहल को भूनना बहुत ज़रूरी रहता है, इसका जितना भूनेंगे उतनी बढ़िया सब्जी बनती है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी कितना बढ़िया भुंजाया है। अब ये बढ़िया से भुना गया, इसमें काफ़ी अच्छा महक आ रहा है, मसाले बढ़िया से भुंज गए। दोस्तों, कटहल में अगर आपके पास मखाने नहीं हैं तो आप बिना मखाने के भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैं आज मखाने डाल के रेसिपी डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया सब्जी बन रहा है। मैं पानी को गर्म करके डाली हूँ। दोस्तों, गर्म करने से पानी का स्वाद, सब्जी का स्वाद उतरता नहीं है। दोस्तों, इसीलिए ये सब चीज़ों में पानी गर्म करके ही ऐड करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, मैं नमक अब आखिरी में नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए, देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया तेल ऊपर आ चुका है। अब इसको मैं धीमी आंच से 5 मिनट तक पकाऊंगी, बढ़िया ढक करके। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया सब्जी पकी है। देखिए, एकदम लाल तेल एकदम ऊपर आ गया, सब्जी हमारी रेडी हो गई। दोस्तों, अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, अगर हरी धनिया आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, इसमें टमाटर भी ज़रूरी नहीं रहता कटहल की सब्जी में, क्योंकि कटहल की सब्जी मसाले से ही बनती है। टमाटर धनिया का कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया बना है। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। दोस्तों, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा। देखिए दोस्तों, एकदम मस्त सब्जी बनी, बिल्कुल होटल जैसे सब्जी बनी है। दोस्तों, मैंने चावल भी बनाया है बिखरे हुए, बढ़िया चावल सब्जी खाइए। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।